पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। नाम बोल उसका। भगवान। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता है तो नहीं। हाँ है। क्यों, गूंगा है शायद? होगा। अच्छा, हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है। इधर इधर की है क्या है? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। कृपाल सिंह, तलाशी ले जरा इसको। देख इसमें क्या, दे मेरे। डॉक्टर डिमेल। अरे डॉक्टर साहब, इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? चर्च छोड़कर मंदिर में घुस गए, दंगे कराएंगे क्या आप? आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चर्च? निकल, गेट आउट। हमारा रिमोट हुआ। तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया, और तुम सूली पर गॉड लटक गया? कब? 2000 साल पहले। फॉर योर सिंस। लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी अभी आया हूं यहां। पीके हो क्या? हाँ। गॉड इज वॉचिंग यू। वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहां कहां, किधर है गॉड? बॉस ने मौका ही नहीं दिया उस स्टोरी को फॉलो करने का, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो स्टोरी वापस मेरी लाइफ में आई। जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। हाँ पंडित जी, ये चोर नहीं है। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी और मेरा पर्स अंदर गिर गया। ये तो उसे निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। सच कह रही हूँ मैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। पर्स में करीब 5000 रुपए, देख लीजिए। पंडित जी, वो मेरे हैं। थे, एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दी, पर अब उनके हुए। चलो जाने दो इनको।
कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना, पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने देखा कि पहले तुमने वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे वापस डाल दिए। ई वाला दफ्तर वा माँ बस 200 डिपॉजिट भरा था, उतना ही लिया, बाकी रिटर्न डाल दी। तुम बहुत सारे तावीज माला वगैरह पहनते थे ना? रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं पहनेगा। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए? सेल्फ डिफेंस। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते ना ताकि कौन मूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौन पीटे नहीं। जग्गू बंद करो ये तमाशा। पापा 40 दिन की थी तू जब तपस्वी जी ने तुझे अपनी गोद में लेके नाम दिया। याद रहे जो नाम दे सकता है वो नाम बिगाड़ भी सकता है। पापा जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे। यू कितने पैसे चाहिए तुझे? पापा अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को? नहीं नहीं, जलेगा तू नरक में। जरा भगवान के प्रकोप से डर। थंकू पापा थंकू। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है। वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमारी फिरकी नहीं ले रहा है, वो हमारे डर का फायदा उठा रहा है, समझा? पीके तुम जो भी समझे तुम पापा को समझा सकते हो? हाँ हम समझा सकता है, विरोध कर सकता है। चलो चलो हमारे साथ। इस बकवास के लिए वक्त नहीं मेरे पास। पापा अगर बात बकवास निकली तो मैं शो बंद कर दूंगी। पापा ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो हम दिखाते हैं, आ जाओ। चलिए ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट। ई हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़ उड़ हो गवा शुरू। चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है? स्टोव केतली चाह शक्कर गिलास थर्मस और यहाँ एक तो पत्थर और लालटी का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी जाना दो भाई। चलो वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता। देख रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की रीजन करने की शक्ति नहीं देते। ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मारते हैं, डर फैलाकर चुप करा देते हैं। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तक एक पी के सवाल उठा रहा था, अब हजारों पी के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो, आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। बाबा जी एक सवाल है। बाबा जी अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी,
तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गो चल मेरे साथ। चलना मेरे साथ। पूरे देश से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। तुम लोगों ने तो आग लगा दी। चल दिखते। वो बोले गाय को चारा खिलाओ जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडाटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडाटा डालेगी? ये रॉन्ग नंबर है। और देख ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है। फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो? रॉन्ग नंबर है ये। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। आप लोग उसे स्वीकार करें। मंदिर के बाहर आपके चेले चपाटे 10-10 रुपए में किताबें बेच रहे हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ बता रहे हैं मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से एक 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो।